कराए हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बीपीएससी पैंसठवीं में 500 से ज़्यादा वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी की वैकेंसी निकाली गई है 65वीं चरण की, और जिसमें 500 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या डिटेल में बताया गया है। उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, ये भी 6 जून का न्यूज़पेपर है, 6 जून 2019 का न्यूज़पेपर है, आप लोग उठाकर देख सकते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये पटना के अकॉर्डिंग निकाला गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 जून तक विज्ञापन निकाला जाएगा, तो 20 जून तक विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए, 20 जून तक आपको विज्ञापन मिल जाएगा। आयोग ने हाल ही में ली है इतनी सीटों के लिए परीक्षा। तो कितनी सीटें हैं आप लोग देख पा रहे हैं, 60वीं से 62वीं 646 सीट, 63वीं 350 सीट, 64वीं 1435 सीट। अब यहाँ पर जो 65वीं आने वाली है 500 के लगभग है, यानी कि 500 के लगभग है, और भी बढ़ सकते हैं वैकेंसी या घट भी सकती है। तो ये जो अभी जो 20 तारीख से विज्ञापन निकलने वाला, उसके बारे में 65वीं वैकेंसी बताई जा रही है कि 500 के लगभग सीट निकाली जाएगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीपीएससी जुलाई से अगस्त में ले सकता है आवेदन, तो जुलाई से अगस्त के बीच में आवेदन ले सकता है। आयोग ने समय पर कार्मिक विभाग से मांगी सीट। तो आप लोगों को चलिए डिटेल में बताते हैं क्या बातें बताई गई। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 500 से ज़्यादा रिक्तियां आएंगी। कार्मिक विभाग की ओर से रिक्त पदों की सूची तैयार कर ली गई है। कुछ विभागों की रिक्तियां आनी शेष है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि 20 जून तक विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। बताया कि जुलाई से आवेदन का प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, 1 माह तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, और काफ़ी लंबे समय के बाद आयोग ने अपने एकेडमी कैलेंडर में सुधार किया है, और अब सभी परीक्षाएँ समय पर हो रही हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं सभी परीक्षाएँ अब समय समय पर ली जा रही हैं। 500 से ज्यादा सीटों के लिए आवेदन लिए जाने की उम्मीद है। हालांकि आयोग से पास अब तक 300 से अधिक वैकेंसी के लिए विभागीय रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, यह संख्या बढ़ेगी। आयोग ने कार्मिक विभाग से समय पर रिक्तियों की सूची मांगी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह विज्ञान में 68, सामान्य प्रशासन 30, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 19, ग्रामीण विकास में 110, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 11, श्रम संसाधन विभाग में 29, और पंचायती राज विभाग में 14, और अनुसूचित जनजाति में 18, और पर्यावरण एवं वन विभाग में 7, शिक्षा विभाग में 7। आप लोग देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग में 7, और अल्पसंख्यक जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, और अल्पसंख्यक में देख पा रहे हैं 75, और निर्वाचन विभाग में 46, और गन्ना विभाग में 4 रिक्तियों की जानकारी प्राप्त हो रही है। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। टोटल मिलाकर यहां पर 500 के लगभग बताया जा रहा है, ये लगभग है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले डॉक्टर AM रहमान ने बताया है कि अब छात्रों की तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस जॉब से, जो लोग इनका वेट कर रहे हैं, तो वो लोग तैयारी में जुट जाएँ और मन ध्यान लगाकर दोस्तों, क्योंकि अब ये वैकेंसी आने वाली है जुलाई से अगस्त के बीच में। तो ये जॉब आपके लिए है, यदि आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो जानकारी कैसे लगी फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह न्यूज़पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी टेलीग्राम की, वहाँ पर यह न्यूज़पेपर मिल जाएगा, आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।